बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। नेता अपनी हार जीत के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाने में लगे हैं। ऐसे में कुछ अजीबोगरीब बयान भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक बयान दिया है सीएम नीतीश कुमार की कैबिनेट में बीजेपी कोटे से खनन और भूतत्व विभाग के मंत्री ब्रज किशोर बिंद ने। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि अगर इस बार हम हार गए तो इलाके में अकाल पड़ना तय है। आप भी सुनिए ये वीडियो। तीन बार ले जब ले विधायक बनी बड़ा पहलवा अकाल पड़ जाए धरना नहीं सुखा जाता तो हमारे विधायकी में लक्षण यो होला ना, इतना बरखा बरसात क्योंकि धान मरल हो जाता तो हम हरली तो इन जगह काले पड़ी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जिले में राजनीति गर्मा गई है, लेकिन मंत्री जी ने चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में इन बातों को कहां बोला वो उन्हें याद भी नहीं। तीन बार ले जब ले विधायक बनी बड़ा पहलवा अकाल पड़ जाए धरना नहीं सुखा जाता तो हमारे विधायकी में लक्षण यो होला ना, इतना बरखा बरसात क्योंकि धान मरल हो जाता तो हम हरली तो इन जगह काले पड़ी। लेकिन जनता ने उनकी इस बात को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो देखने के बाद विपक्ष ने भी नीतीश सरकार को आड़े हाथों लिया। भभुआ के पूर्व विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि अगर मंत्री जी ने इलाके में थोड़ा भी विकास किया होता तो इस तरह जनता को धमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बहुत ही हास्यास्पद और निंदनीय बात ब्रज किशोर बिंद ने कही है। एक तरह से अप्रोक्ष रूप में ब्रज किशोर बिंद जी आम आवाम को डरा रहे, धमका रहे। जिस तरह से हमेशा भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति के तहत एक खास वर्ग को धमकाने के काम कर रही है, उसी तरह से हमारी भोली भाली आम आवाम जनता को ये धमकाने का काम कर रहे हैं। ब्रज किशोर जी धमका के राजनीति कीजिएगा, चंद प्रसाद वोट लीजिएगा धमका करके, कहाँ है ब्रज किशोर जी, है हिम्मत है औकात तो अकेले अकेले चुनाव लड़कर देख लीजिए ना। आपका भाजपा अकेले लड़ रहे, आपका नीतीश अकेले लड़ रहे, आप लड़ लीजिए। विकास का मतलब क्या, आप विकास विकास चिल्ला रहे हैं और दूसरे तरफ करें हम जीतेंगे नहीं तो अकाल पड़ जाएगा, आप धमकी नहीं दे रहे हैं। और इस धमकी का जवाब चैनपुर विधानसभा के किसान, नौजवान, छात्र, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े सभी समाज के लोग आपको देंगे। ये धमकी आपकी कहाँ चली जाती है जब दलित और अति पिछड़ों पर आपके समाज के लोगों के ऊपर सामंतियों द्वारा प्रहार होता है, कहाँ चली जाती है। अगर आपकी इतनी हेकड़ी है तो धमकी मत दीजिए, लड़ना है लड़ाई, चुनाव अगर लड़ना है संवैधानिक दायरे में रहकर लड़िए और इस संविधान के सीमा को अगर पार करेंगे तो रामचंद्र यादव हर असंवैधानिक आदमी का और हर तानाशाही व्यवस्था का, हर सामंतवादी व्यवस्था का मैं जवाब दिया हूं। भूलना पड़ेगा जिस गोद में आप बैठ कर क्या कर रहे हैं उस गोद के हिसाब से अगर काम कर रहे हैं तो भोली भाली जनता को भड़काइए धमकाइए मत। वहीं वीडियो पर मंत्री जी ने सफाई दी। उन्होंने विपक्ष पर अपने बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। मैंने इस बात को नहीं किया, कहा ही नहीं है। मैंने ये कहा है कि जब से मैं जीतते आ रहा हूँ तब से इस क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ा। विरोधी लोग अगर इस बात को विखंडित करके बोल रहे हैं तो मैं किसी के मुंह पे ताला नहीं लगाया हूँ। लेकिन एक चीज़ पहले भी मैंने कुछ चीज़ को कहा था, आज भी मैं धड़ल्ले से कहता हूँ कि भक्त के बस में भगवान होते हैं, भगवान के बस में भक्त नहीं होते, बल्कि भक्त के बस में भगवान होते हैं। भक्त इतने सच्चे दिल से याचना कामना प्रार्थना करता है कि भगवान उसकी विनती को स्वीकार करता है। इस आधार पर मैंने कहा और यहाँ की जनता भी कहती है, मैं उनसे पूछता हूँ कि चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में जब से मैं जीता हूँ तब से अकाल पड़ा ही नहीं है। मैं दोहरा के कहता हूँ और धड़ल्ले से कहता हूँ, अगर विरोधियों को ये बात, अब जो लोग विरोधी लोग कहते हैं कि ये कहते रहते हैं कि इन्होंने क्या किया, मैं कहता हूँ कि मेरे रीज़न में मैंने काफ़ी मेहनत किया आज़ादी से लेकर आज तक। 1952 से इस देश के अंदर चुनाव हो रहा है, तब से लेकर के यहाँ बहुत विधायक हुए, सांसद हुए, मंत्री हुए, लेकिन किसी ने इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोल बनवाया था।
मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में न्याय के साथ विकास का नारा देते हुए हम लोगों ने जो काम किया है उसका जीता जागता उदाहरण है कि भगवानपुर प्रखंड के जैतपुर गांव में 87 करोड़ रुपये के लागत से इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवाया, ये देखने को मिलता है। जनता भी इस बात को स्वीकार करती है कि इस क्षेत्र में कभी अकाल नहीं पड़ा। अब विरोधी को ये बात बुरा लगता है तो मैं क्या करूं? विरोधी का कहना है कि मंत्री जी धमका रहे हैं वोट लेने के लिए। नहीं, मैं धमका नहीं रहा, मैंने अपनी ओर से सच्चाई को बताया है लोगों के बीच में। अब विरोधी लोग को हम सोने की चिड़िया बना के कोई देता है तो लोग कहता है पित्तल है, कोई सच्ची बात कहता है तो उनको झूठा लगता है, क्योंकि सच्ची बातें तो कड़वी होती है और कड़वी बातें जो सच्ची बात है वो निसंदेह कड़वी होती है, और सच्ची बातें विरोधियों को पसंद नहीं आती क्योंकि वो लोग झूठ का पुलिंदा लेके चले हैं। चैनपुर, ये देखिए चैनपुर विधानसभा के पता नहीं कौने गांव में मैंने बोला है, लेकिन मैंने ही बोला है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। और आज भी मैं धड़ल्ले से आपके न्यूज चैनल पर भी मैं कहता हूँ कि ब्रजकिशोर बिंद को जब तक चैनपुर के जनता ने आशीर्वाद दिया है तब से लेके आज तक चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर कभी अकाल पड़ा ही नहीं। बता दें कि बीजेपी विधायक ब्रजकिशोर सिंह पहले भी ऐसे अजीबोगरीब बयान दे चुके हैं। पिछले साल उन्होंने शिव पुराण का हवाला देते हुए भगवान शिव को बिंद जाति का बताया था। कैमूर से अजीत की रिपोर्ट।